हम सब जानते हैं कि ये सोचकर कितना अजीब लगता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। रिश्तेदार ही आपकी ज्यादा बेइज्जती कराते हैं। हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार चिंपैंजी अक्सर खुलेआम ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इंसान क्यों उनसे दूरी बनाना चाहता है। हमारी अपने बारे में एक बहुत पुरानी सोच यह है कि हमें बाकी जानवरों से अलग बनाया गया था। ऐसी सोच क्यों बनी यह समझना बहुत आसान है। इससे लगता है हम स्पेशल हैं। मगर अगर हमारा रिश्ता पेड़ के साथ जोड़ दिया जाए तो? वो सोचकर आपको कैसा लगता है? चलिए, ये ओक के पेड़ के डीएनए का एक हिस्सा है। समझ लीजिए, ये एक बार कोड है। इस कोड में लिखी जिंदगी की इबारत पेड़ को बताती है कि शुगर को कैसे मेटाबोलाइज करना है। अब इसकी तुलना मेरे अपने डीएनए के उसी हिस्से से करते हैं। डीएनए झूठ नहीं बोलता। ये पेड़ और मैं बहुत पहले बिछड़े रिश्तेदार हैं। और सिर्फ पेड़ ही नहीं, अगर आप और भी पीछे लौटें तो पता चलेगा कि ये सब भी हमारे पूर्वज हैं। तितली, ग्रे वुल्फ, मशरूम, शार्क, बैक्टीरियम, गौरैया, क्या परिवार है। बारकोड के बाकी सारे हिस्से हर प्रजाति में अलग होते हैं और इसी से एक उल्लू और ऑक्टोपस के बीच इतना फर्क होता है। अगर आपका कोई आइडेंटिकल ट्विन नहीं है तो पूरे ब्रह्मांड में किसी का डीएनए आपके जैसा नहीं हो सकता। अलग अलग प्रजातियों के बीच इस जेनेटिक फर्क की वजह से ही नेचुरल सिलेक्शन होता है। कुदरत तय करती है कौन से जीन को बचाना और आगे बढ़ाना है। जहां तक जिंदगी के सबसे आसान कामों के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस का सवाल है, जैसे कि शुगर को पचाना, तो इनमें हम तमाम प्रजातियां एकदम एक जैसी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम जिंदा रहने के लिए इतने जरूरी हैं कि वो तभी शुरू हो गए थे जब ये सारी जिंदगियां एक दूसरे से अलग नहीं हुई थी। ये हमारा ट्री ऑफ लाइफ है। विज्ञान की वजह से अब ये मुमकिन है कि हम इस फैमिली ट्री पर पृथ्वी की सारी प्रजातियों को जोड़ पाएं। नजदीकी रिश्तेदार पेड़ की एक ही टहनी पर हैं, जबकि दूर के रिश्तेदार ज्यादा दूर दूर हैं। हर छोटी टहनी एक जिंदा प्रजाति है और पेड़ का तना पृथ्वी की सारी जिंदगियों के एक ही पूर्वज की तरफ इशारा करता है। जिंदगी इतनी लचीली होती है कि शुरू होने के बाद से पर्यावरण ने इसकी हैरत अंगेज किस्में तैयार कर दी हैं, जितनी हम यहां दिखा सकते हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा। बायोलॉजिस्ट्स ने 5,00,000 किस्म के तो बीटल्स का ही हिसाब किताब रखा है। इसके अलावा बैक्टीरिया की किस्मों की तो गिनती ही नामुमकिन है। जीवों और पेड़ पौधों की करोड़ों किस्में हैं, जिनमें से ज्यादातर के बारे में विज्ञान को अब भी पता नहीं है। जरा सोचिए, पृथ्वी पर जो जीवन है उनमें से ज्यादातर को हमने अब तक नहीं देखा। इस छोटे से ग्रह पर ही इतने किस्म का जीवन है। ट्री ऑफ लाइफ अपनी पहुंच चारों ओर से बढ़ाता है, अपने लिए मौकों की तलाश करता है, नई जिंदगियों के लिए मौके और नए माहौल तैयार करता है। ट्री ऑफ लाइफ 3.5 अरब साल पुराना है। जीने के शानदार तरीके खोजने के लिए इतना वक्त काफी है। एवोल्यूशन की वजह से एक जानवर पेड़ का हिस्सा नजर आता है। हजारों पीढ़ियों के बाद उनका रंग रूप ऐसा हो गया है कि खाने की तलाश में निकले शिकारी की उन पर नजर ही नहीं पड़ती। या ये पौधों को जानवरों जैसा बना सकता है और उनमें ऐसी कलियां खिला सकता है जो ततैया जैसी दिखती हैं। ऑर्किड इस तरह असली ततैये को बेवकूफ बनाकर उससे पॉलिनेशन करा लेते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन की भेष बदलने की जबरदस्त ताकत के नमूने हैं। लंबे चौड़े ट्री ऑफ लाइफ की घनी उलझी हुई डालियों के बीच आप यहां हैं। लाखों अनगिनत डालियों में से एक छोटी डाली पर विज्ञान ने बताया है कि पृथ्वी पर सारी जिंदगियां एक सी ही हैं।